यहाँ पे भी तुम्हें सोना ही चाहिए। कितना बड़ा है, ह्यूज है। मैं यहाँ पे भी रिक्शा मिल गया है। ओके 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 थैंक यू। यहाँ की लैंग्वेज तो पता ही नहीं है, साथ में ना रेट्स भी नहीं पता है, तो हमें वैसे इसने $380 में बोला था सारा घुमाऊंगा, लेकिन पता नहीं यहाँ पे आते ही इसने बोला $700 लूंगा। बट इट्स ओके, आते हैं तो कुछ ना कुछ चूना लग ही जाता है। भाई साहब, भाई कहीं चटक ना जाए। माय गॉड, तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सब लोग? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, आज का दिन बहुत बढ़िया होने वाला है और दिन की शुरुआत थोड़ी सी लेट करी है हम लोगों ने, क्योंकि बहुत ज्यादा थक गए। वैसे यहाँ का जो टाइम है ना वो 2.5 घंटे आगे है इंडिया से, तो अभी यहाँ पे 11:30 के करीब बजा है, हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं पूरा। तो हम लोगों की अभी बायोलॉजिकल क्लॉक उसी हिसाब से चल रही है। तो हम लोग हांगकांग एयरपोर्ट पे उतरे, अब तक आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और वहां से डायरेक्ट हमने फ्री की शटल ली मकाओ के लिए। मकाओ पे जब वीजा हम एंट्री के लिए जा रहे थे इमिग्रेशन के लिए, तो उन लोगों को लगा हर कोई तो हांगकांग से होके आता है डायरेक्ट इमिग्रेट करके, ये लोग डायरेक्ट कैसे आ गए? तो उन्होंने हमको वीजा रूम में भेजा कि आप वहां पे चले जाइए। उन्होंने बहुत बेसिक से वहां पे सवाल किए हमसे कि आप डायरेक्ट आ रहे हो, आप हांगकांग नहीं गए? मैंने कहा नहीं। तो आप यहां पे कितने दिन के लिए? मैंने बोला हम लोग 3 दिन के लिए यहां पे। अच्छा, आपके पास हांगकांग का कुछ है वहां पे? तो हमारे पास वहां का पाल था, जो कि जरूरी होता है, किसी को नहीं भूलना है, वो हांगकांग में घुसने नहीं देंगे उसके बिना। और फोन पे वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आपके पास उसका प्रॉपर प्रिंट आउट होना चाहिए। तो मैंने तो 4-5 निकाल लिए भैया, और हर अटैच में एक एक डाल दिया। उसके बाद उन्होंने वो देखा, हमारी रिजर्वेशन देखी, कन्फर्म रिजर्वेशन थी, तो हमको उन्होंने वीजा दे दिया यहाँ का। तो फॉर इंडियंस मकाऊ में जो है वीजा ऑन अराइवल है। और उसके बाद हम लोग आए, अपनी हमने फ्री की शटल पकड़ी। कल हमारा 1 रुपया नहीं खर्च हुआ, कल सारा काम हांगकांग से मकाओ तक आने का फ्री ऑफ कॉस्ट। और आज हम जा रहे हैं ओल्ड मकाओ, कह दो। एक्चुअली में मकाओ जो है ना 2-3 पोर्शंस में, पार्ट्स में बटा हुआ है। तो मकाओ जो है ना पहले पोर्चुगल कॉलोनी हुआ करती थी, अब जो है उन्होंने रिलीज कर दिया है इसको, लेकिन यहाँ पे अभी भी इन्फ्लुएंस है उस चीज का। और यहाँ पे आके आपको लगेगा थोड़ा सा रिलैक्स, और कहते हैं कैसीनो वाला कोजी, और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग आज रेडी हो रहे हैं जाने के लिए ओल्ड मकाओ, या सेंट्रल मकाओ आप कह सकते हो। वहां पे और अपनी जगह है अट्रैक्शन से देखने के लिए, हाँ बहुत कुछ है। आज हम लोग जाते हैं और देखते हैं वहां पे कैसे होता है। तो यहाँ से अगेन हम लोग फ्री शटल लेंगे कैसीनो टू कैसीनो, यहाँ पे फ्री शटल चलती है। हम लोग जाएंगे ग्रैंड लिसोबा, यहाँ का फ्री चलेगी, जहाँ तक फ्री चलेगी, फिर देखते हैं हमारा खर्चा होगा उसके बाद। वैसे बाय द वे मुझे यहाँ पर स्टे करना बहुत अच्छा लग रहा है, और मतलब इनकी जो फैसिलिटीज है ना वो बहुत बढ़िया है। और पता है यहाँ पर मुझे एक बात पता चली, यहाँ पर 2700 कमरे हैं। 2700 मतलब बहुत बड़ा होटल है यार। और इसकी जो मुझे लॉबी थी ना वो तो ग्रैंड, मजा आ गया देख के। ग्रैंड लॉबी है बिल्कुल, एकदम वो यूरोप वाला जो टच था ना। और इसका अपना मॉल भी है, हाँ खुद का। मैं वो मैं आपको धीरे सब दिखाएंगे, धीरे धीरे ब्लॉग में आप देख ही लोगे। अभी है यहाँ पे हम 2 दिन, और हम लोग थोड़ा ग्रुप पैकेज नहीं किया है ना, तो हम लोग अपने लेजर से चल रहे हैं। उसमें ना ये बेनिफिट रहता है कि आप ना अपने हिसाब से अपना टाइम लेके चलते हो, वरना बहुत भागा दौड़ी हो जाती है। लेकिन हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगा कि आपको इमिग्रेशन अगर स्मूथ चाहिए ना, तो आप लोग अपनी प्री बुकिंग करके आइए। ये मत सोचिए कि मैं वहां पे जाके बुकिंग करूंगा, क्योंकि तब प्रॉब्लम होती है। यू आर नॉट एबल टू प्रूव कि आप यहाँ से वापस चले जाओगे, उनको यही चीज होती है। हांगकांग की भी हमारी बुकिंग पहले से ही थी, पहले से ही, तो उन्हें सब कुछ दिखा दिया तो वो रिलैक्स हो गए। एक बात और मैं बताऊँ आपको, हमारे जो पासपोर्ट्स हैं उसमें यूएस का वीजा भी लगा हुआ है, तो इस वजह से ना लोग जो है काम, मेरे में तो और भी ज्यादा है, ऑस्ट्रेलिया यूके वगैरह के भी है, तो लोग देखते हैं बेसिक किया, उसके बाद उन्होंने दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। चलो चलिए ठीक है। अरे म्यूजिक कितना अच्छा चला, ये इसमें चलता है, काश हमारी सोसाइटी की लिफ्ट में ऐसा लगा। बेसमेंट है ना, वहाँ से बस चलती हैं सारी।
आई थिंक दिस इज साउथ बस लॉबी, यहाँ से हमें लेना पड़ेगा। पूछ लेते हैं रिसेप्शन पे एक बार कि ओके शटल में चाहिए तो कहाँ से मिलेगी। तो आज का दिन भी खूब मस्ती वाला होने वाला है और खूब घूमने वाला होने वाला है। और हम लोगों ने पता कर लिया है कि बस कहाँ से मिलेगी, बस नंबर 9 हमें मिलेगी। फेरी टर्मिनल जाना होगा, मकाओ फेरी टर्मिनल। मिलेगी हमें मकाओ फेरी टर्मिनल की बस, वहाँ से हमें ग्रैंड लिस्बोआ की बस मिल जाएगी। चाहो तो आप टैक्सी लेके डायरेक्ट भी जा सकते हो। यहाँ से हमें मिलेगी मकाओ फेरी टर्मिनल 9:45 से 8:45 तक चलती हैं और फ्रीक्वेंसी इज एवरी 12 to 15 मिनट्स, सो होपफुली हमें मिल जाएगी। उन्होंने तो अपना भैया बस स्टॉप ही बना रखा है पूरा। लैंग्वेज बैरियर है बट आप समझाना चाहो ना तो वो समझ भी जाते हैं, आप भी समझ जाओगे। थोड़ा ए ऊ होगी लेकिन आप समझ जाओगे, हमारे साथ यही हो रहा है। तो हमारी आ गई है फाइनली, 15 मिनट में आई गई बस, इतना नहीं। कुछ स्टॉप्स की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो ज़्यादा है, जैसे टाइपा में ही से हम बस अपनी चेक करेंगे कि हमारा किधर है। अच्छा, यहाँ पे आपको पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा मिलेगा, हर जगह कैटोनीज और पोर्चुगीज में लिखा हुआ मिलेगा। हमारा स्पॉट मिल गया जहाँ से हमें बस मिलेगी ग्रैंड लिस्बोआ के लिए। और हम लोगों को भूख लग रही थी तो डीमा स्टैचूज लेके आए, ऐसी सारी चीज़ें घर से लेकर आई हूँ। हाँ, इधर आ जाओ। हाँ, हमने फोटोग्राफ्स खींच रखी है, सब चीजों की फोटोग्राफ खींच रखी है ऑलरेडी। आप लोग भी यही करना क्योंकि वो लैंग्वेज बैरियर की वजह से वरना समझना मुश्किल होता है। अच्छा, हम लैंग्वेज कह रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, इसलिए ये मत समझो कि डिफिकल्ट है बहुत ज़्यादा। जब तुम करने के लिए आओगे ना हाँ तो हो जाता है, सब हो जाता है, फिर वो उसी हिसाब से सोचने लगते हैं। ये देखिए घर हमारी तरह से बिल्डिंग्स, बिल्कुल कपड़े वैसे बालकनी में सूख रहे हैं जैसे हमारे घर में सूखते हैं। हम सबकी बालकनियों में सूखते हैं ना कपड़े, ऐसे ही सूख रहे हैं यहाँ पर। तो गाइज हम लोग आ गए हैं ग्रैंड लिस्बोआ होटल, काफ़ी बड़ा इंक्लूज है। और वहाँ पे जाएंगे ना, वहाँ से फोटोग्राफ उसकी बहुत अच्छी आएगी। वहाँ जाएंगे ना तो उसकी फोटोग्राफ बहुत अच्छी आएगी। हाँ, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है एंड इट्स वेरी इजी टू कम हियर, एक्चुअली इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। तो पहले इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या है, उसके बाद से बाहर आएंगे। राइट, दिस वन इज ब्यूटीफुल। अरे वाह, यहाँ पे भी तुम्हें सोना ही चाहिए है तुम्हें यहाँ पे। अच्छा अच्छा, और ये इनकी ज्वेलरी देखो, इट्स सो इतना सुंदर डिजाइन, और ये देखना झुमके। हाँ, बिल्कुल इंडियन स्टाइल में ब्यूटीफुल। तुम सोना सोना तुम्हें बहुत पसंद है, प्रिय है। अच्छा, छोटे छोटे पिगीज हैं देखो। सोना खरीदने से क्या होता है ना, सेविंग भी हो जाती है काइंड ऑफ। तो यहाँ पे मैंने पूछा इसकी प्योरिटी क्या है, तो बंदी आई कहती है 24 कैरेट। मैंने कहा 24 कैरेट कैसे हो सकता है, 24 कैरेट में कौन सी बनती है। बट एनीवे चलो, इनकी बात मान ली मैंने। अभी क्या हुआ ना, गूगल लेंस में ना ये फैसिलिटी है। अरे हाँ, ये मैंने आपको नहीं बताया, गूगल लेंस में एक फैसिलिटीज है, जब हम इनकी लैंग्वेज की तरफ या कोई भी चीज की तरफ करते हैं तो कन्वर्ट कर देगी, कन्वर्ट करके हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। हाँ, इससे इजी हो जाता है यहाँ पे चीजों को पहचानना। तो अभी एक चीज बताते हैं, दूर एक्चुअली पहचान बोलते हैं कि इस पे क्या लिखा हुआ है, मैं इसलिए ना गूगल ट्रांसलेट करके पूछता हूँ। मैंने इस पे तो ये लिखा हुआ है, प्लीज डू नॉट से। चौप हो गई मेरी। दिस इज ब्यूटीफुल, दिस इज कोरल, कोरल में बनाया गया, देखो
मतलब जैसे ये इधर हमें समझ में नहीं आ रहा है, रीमा ने उसको फोटो लिया और रीमा अब उसको ट्रांसलेट करके देख लेंगे। और ये ना कोरल से तो नहीं है, गलत काम है, ये टस से बना हुआ है, द फाइन मेमर टस कार्विंग ऑफ द ग्रेट वॉल, तो आप देख सकते हो। और ये हाथी के दांत से बना हुआ है पूरा। भैया बहुत बढ़िया है ये, देखो इसका शैंडलियर तो देखो, ह्यूज, वेरी ब्यूटीफुल। घर में इसे लक के लिए लगाते हैं, गुड लक वगैरह। हाँ, अब आप जानोगे हमें कैसे मालूम पड़ा, तो हमने इसके नीचे जो लिखा है ना वो ट्रांसलेट कर लिया। नाइस। बुद्धा, लाफिंग बुद्धा। मैंने अभी भी नोटिस किया कि ये वाला डिजाइन मेरे ब्रेसलेट से मिल रहा है। ये देखो उधर वाले भी इंस्पायर्ड है ये लोग मुझसे। और देखो सोने की ईंटें रखी हैं। अरे वाह, चुरा ले। कितना बड़ा है, ह्यूज है ये। मेन इनके यहाँ का वो है, कितना ह्यूज है, हम लोगों ने देखा अंदर, एंड इट्स ब्यूटीफुल। सामने ही ग्रैंड लिस्बोआ का क्या सीन हुआ, यहाँ पर ना लोग हाथ वाले पंखे लेके घूम रहे हैं। हाँ। छोटे छोटे से मैं लेके जाऊंगी यहाँ से, और अच्छा इलेक्ट्रिक वाला भी लेके घूम रहे जिससे अपने चेहरे पर ऐसे ऐसे करते रहते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। सारे टाइम। हाँ। मैंने तो इनको सजेस्ट किया कि हम रिक्शा लेते हैं। हाँ। वहाँ पे रिक्शा है हमारे। रुको। हाँ अभी रिक्शा लेंगे, पूछते हैं उनसे रिक्शा है या नहीं है, दैट वी डोंट नो। रुको, नहीं उसको निकलने दो। लेकिन रिक्शा में मैंने देखा यहाँ पे रिक्शे खड़े हुए हैं, तो हमने कहा इसे लेके चलेंगे, ये हमें सिटी टूर करा दो। अच्छा देखते हैं। तो हम लोगों को ये लेके जा रहे हैं, ये सारी जगह पर लेके जाएंगे, ये सारे प्लेसेस पे, और प्राइस लेंगे 380 राइट डॉलर। ओके, सो हम पूछते हैं इनसे। ये देखिए, हां होते ही गाड़ी तो, यस ये का लामवान, यस माकाउटाओ, ओके लाम साइवान, ओके आ मा कैंपो, ऑलराइट आ चोंग थोंग फो, ओके आ सिंगला ये का सिंगला तो, ओके ओके। मैं यहाँ पे भी रिक्शा मिल गया है, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा है और आराम से चल रहा है, तो बहुत आराम से चला रहे हैं। ये एक्सपीरियंस एक्चुअली में हम लोगों ने वैसे नहीं लिया होता ना, अगर बस टूर से आते तो भाई मकाऊ में बैठे रिक्शे में। टाइफो, यहाँ पे लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं भैया, किसकी लग रही है ना, यहाँ पे बस मिलती हैं, यहाँ पे देखो लड़की पुलिस वाली। तो यहाँ पे ना ये चेन आई थिंक उसकी ज्वेलरी शॉप्स की चेन है यहाँ पे, सबसे फेमस डिजाइन जो मैंने आपको बताया था। हाँ, और जिस शॉप पे है, यस एक्चुअली इस रिक्शे का हम लोग दे रहे हैं 3,800 रुपीस, मतलब अगर समझा जाए लगभग 4,000 रुपीस में रिक्शे का। लेकिन उससे होगा क्या ना, इंडिया में तो कभी आपने रिक्शे के लिए इतना पैसे 4,000 रुपए दिए हैं कभी, बताओ। गाँव में रिक्शे के दिए 4,000 रुपए भैया, याद रहेंगे। ये गवर्नर हाउस है वहाँ पे, और यहाँ पे सामने बड़ी अच्छा सा वो जो देख रहे हैं ना, वो वाला जो देख रहे हैं वो चाइना है एक्चुअली। हाँ, वो वाले जो आप देख रहे हो रेंज, तो दैट इज चाइना, वहाँ पे उस साइड में चाइना है। और ये अपना ब्रिज से होते हुए, और ये यहाँ पर भी आएंगे हम लोग। अच्छी हवा चल रही है वैसे, थोड़ा सा शेड आई थिंक जरूरत है, क्योंकि अभी यहाँ पे बारिश का मौसम हो रहा है, तो थोड़ी सी ना उमस है। हेलो, है ना, अच्छा लग रहा है ना, अभी देखो बारिश वाला मौसम हो गया है। ये दिख रहे हैं ना, जब एक यहाँ पे जा रहे हैं ऊपर, हमने पहले ही टिकट ले लिया था, और हम लोगों ने अगोडा से बुक किया था, तो हमें ग्रुप से चिपक कर लिया था टावर, ये देख सकते हो, और ये उसकी एंट्रेंस है, तो हम लोगों ने टिकट ले लिया था फटफट। तो गाइज यहाँ पे लैंग्वेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अब हम उस रिक्शे वाले को ना ये नहीं समझा पा रहे थे कि हम ना एक घंटे बाद आएंगे, हमें कहते हैं लगभग 4,000 का पड़ने वाला रिक्शा, पता नहीं 5,000-6,000 का ना पड़ जाए। हाँ, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ना 360 डिग्री कैफे भी है, और ऊपर से आप बंजी जंप कर सकते हो, लेकिन हम नहीं करने वाले। दरवाजा खुल गया,
एंड अपने आप ही चला जाएगा। सो 61 58 यार हम 61 फ्लोर पे जाना 58 पे नहीं फिर 58 फिर 61 सबसे टॉप फ्लोर से तो दिखाई दी हमें क्या मालूम किससे दिखाई दी। आउटडोर नहीं है हमारा मेन ऑब्जर्वेशन डेक का है। हाँ। फटाफट जो है ऊपर जा रहे हैं। इधर खड़ी हो ना इधर खड़ी हो इधर खड़ी हो ना इधर अरे इधर खड़ी हो ऐसे इधर मैं आज तक इतनी ऊंचाई पे नहीं गई हूँ मुझे डर लगा है सच में। डर क्यों रही हो मुझे एकदम से सुपरमैन आ जाएगा कोई बात नहीं अगर कुछ हुआ तो सुपरमैन मैंने उसकी वीडियो देखी हुई है जनरली ऐसी लिफ्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो सुपरमैन आ जाता है जब ऐसे जाती है ना नीचे चलो डिज्नीलैंड में हम लोगों ने किया ब्यूटीफुल यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है कोई ना किसी को प्रपोज भी कर रहा है यहाँ पे। हाँ देखो छेड़ता मत। ओ ये ग्लास वाला है अच्छा फट गई तो मेरा वेट कुछ ज़्यादा है तो पता नहीं मैं इस पे चल पाऊँगा नहीं चल पाऊँगा लेकिन मैं चलूँगा लेकिन मैं चलूँगा। आओ आओ दुबई दुबई में भी इस टाइप का कुछ है लेकिन खड़े हो भाई साहब भाई कहीं चटक ना जाए। माय गॉड व्यू देखो कितना सुंदर आया है यहाँ से। हाँ और अभी हम इससे भी ऊपर वाले में जाएंगे। ओ माय गॉड इससे ऊपर वाले में हमारा यही है पूछ लेंगे हम। हाँ हमें क्या पता हम टिकट में कम करके आए तो अपने टिकट के पूरे पैसे वसूल करने। अच्छा लेकिन यार इसमें फट रही है लिटरली फट रही है इसकी लत खराब है यहाँ पे ये देख रहे हो नीचे। Oh my God, इसे बैठ के ही बैठा जा सकता है इसमें। मुझे दिखाना फोटो कैसा आया। हाँ दिखाऊंगा बहुत बहुत स्केरी है बट बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत अच्छा सिनेमैटिक व्यू है आई मीन पूरा 360 डिग्री व्यू ले सकते हो। बहुत अच्छा नीचे देख के रखी नहीं रही पैर मैं बस ऊपर से देख के रखती हूं क्योंकि ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना ये। बच गई मैं बच गई। ये आउटडोर ऑब्जर्वेशन डेक है अगर किसी को बंजी जंपिंग करनी हो तो भाई हाँ वो वहाँ पे चल रही है बंजी जंपिंग स्काई वॉक भी है अगर इस पे बाहर चलना हो तो मैं नहीं जाऊँगा नीचे। ये लोग स्काई वॉक कर रहे हैं स्काई वॉक स्काई वॉक बंजी जंपिंग किसी को बंजी जंप करना है तो वो अलग है। यहाँ पे इस तरीके से गियर वगैरह पहनाते हैं और फिर उसके बाद चढ़ा देते हैं आप जानो। नहीं सुनो आपकी जिंदगी आपको मुबारक। तो सब कुछ पास ही पास है इतना टाइम नहीं लगेगा अगर जैसे लोग डे ट्रिप करने आते हैं हांगकांग से तो कर सकते हैं। यहाँ पे टेस्ला देखने को मिल रही है काफ़ी और सुजुकी की भी है। से फायदा हुआ है कि हमें ना गलियों गलियों में भी लेके जाने तो यहाँ का जो मेन कल्चर है यहाँ का जो लोग हैं वैसे ही है घर वैसे ही है जैसे अपन क्या मानते हैं ना बिल्कुल वैसे ही तो कल्चर भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। तो वो जुहाई है कल हम लोगों ने देखा था ना वो तरफ रास्ते जाते हैं और एक जाता हाँ, हाँ तो वो जुहाई ले गए। हाँ हमारा टाइम था अच्छी खुशबू आ रही है इंसेंस स्टिक्स की ना ये यहाँ पे भी हाँ ये देखो अग्नि भी जल रही है। आओ उधर जाओ बिल्कुल। हाँ
अगरबत्ती देखो कितनी बढ़िया है दीवा पीछे। कितनी बड़ी अगरबत्ती है। हाँ हमारे यहाँ तो ऐसी अगरबत्ती है ही नहीं। कितनी बड़ी है यार ये। हाँ और यहाँ मिल भी नहीं है ना खरीदने का। हाँ यहाँ पर कुछ ट्रेडिशन चीज होगी और वो जो पीछे है वो ऊपर जाके 500 ईयर्स है। टेम्पल इतना छोटा नहीं है ये देखिए ऊपर तक जा सकते आप जा सकते हो ये स्टेयर्स हैं। एट का कुछ ज्यादा महत्व है जैसे हमारे यहाँ एक का होता है एक सौ यहाँ पे एट का है। यहाँ पे एट नंबर का है। हाँ मकाऊ की गलियाँ गलियों में घूम रहे हैं। हाँ मजे आ रहे हैं। मकाऊ की छोटी छोटी पतली पतली गलियाँ हैं ये। घूमने का मौका ना इसी से ही मिला है रिक्शे से वरना हमें नहीं मिलता। चिप्स और वो थे। नहीं बेटा वो चिप्स नहीं थे ड्राइड मीट था। मैं गलत फहमी हो गई। ड्राइड मीट ओ ड्राइड मीट था वो ऐसे ढका हुआ था जैसे रुक मिल गया। अभी रुक जाओ पहले इनको बताने दो सेंट पॉल्स एक समथिंग भूख लग रही है। खाना खाया नहीं था नाश्ता भी बहुत हल्का सा किया पिस्ताचियो और कॉफ़ी पिए। ओके सेंट पॉल ऑल राइट थैंक यू। यहाँ की लैंग्वेज तो पता ही नहीं है साथ में ना रेट्स भी नहीं पता है तो हमें वैसे इसने $380 में बोला था सारा घुमाऊंगा लेकिन पता नहीं यहाँ पे आते ही इसने बोला $700 लूंगा मैं हॉन्ग कॉन्ग डॉलर 700 तो कह रहे दो घंटे के आपके 700 हो गए। घंटे के तो इसने 380 बोले थे और टू आवर्स के 700 कर दिए। हाँ जबकि मैं टू आवर्स भी पूरे हुए नहीं अभी। हाँ लेकिन मैंने कहा जो कि महंगा लगा मुझे एक्चुअली में तो हमने कहा लिटिल लेस तो हाँ। फिर 600 में करा 600 में इस तरीके से ये हमें इंडियन रुपीस में 6,200 के करीब का रिक्शा पड़ा तो जो कि रिक्शे के हिसाब से बहुत महंगा है मुझे लग रहा है बट इट्स ओके आते हैं तो कुछ ना कुछ चूना लग ही जाता है। हाँ, जो जहाँ का रहता नहीं है उसको तो चूना लगता है। हाँ, तो चूना लगता ही है हर जगह लगता है कहीं ना कहीं जितने बचाओ उधर। हाँ लंबी है और भीड़ भी बहुत है। ओके ये है एग टार्ट मसाला दैट्स वेरी फेमस ओके तो ले लो नहीं अभी तुम कुछ खा लो ना ले लो दैट्स फाइन। क्या है ये ये वो है जर्की है ये फेमस यहाँ के सेंट पॉल रुइंस हैं तो पहले इसकी एक बिल्डिंग हुआ करती थी पूरी जो पीछे से जल गई है लेकिन लाइटनिंग हुई यहाँ पे और वो पीछे की बिल्डिंग जल गई और ये एकदम फ्रेम बचा है फ्रेम बचा है कैनवस की तरीके से कमाल की बात है कि फ्रेम कितना सही बचा है। हाँ फोटोजेनिक। हाँ और जैसे कि हम सब लोगों को मालूम है ये पोर्चुगीज कॉलोनी हुआ करती थी तो यहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस भी है थोड़ा थोड़ा ना यूरोपियन स्टाइल। स्टेयर्स चढ़ने का मन तो नहीं है लेकिन जब आए हैं तो चढ़ लेते हैं। फाइनली हम ऊपर तक पहुंच गए जो सोचा नहीं था कर लिया हमने हालांकि लग रहा था कि नहीं कर पाएंगे लेकिन कर लिया। अच्छा नहीं ये पूरा जो इसके पीछे चर्च हुआ करता है ना जल वो जल गया जो
एक है लेमन टी और एक है पैशन फ्रूट। मैंने पूछ लिया इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हैं, उसी हिसाब से मैंने लिया है। कही थी वाटर है, टी है और इसमें लेमन है। तो ये हांगकांग डॉलर एंड दिस इज आल्सो हांगकांग डॉलर। ये वाले हांगकांग डॉलर तो बिल्कुल वैसे लग रहे हैं, प्लास्टिक टाइप का। हाँ इट्स ओके, वी नीड चेंज। इसमें बोबा तो नहीं है, छोटे बोबा हो तो पता नहीं, बट ये बहुत अच्छी है। मैं भी आपका टेस्ट करती हूँ। $25 हांगकांग डॉलर। हाँ ईच, ये भी विच इज इक्विवेलेंट टू लाइक 250 इंडियन रुपीस। इतना ही मिलता है यार, इतना ही मिलता है, बहुत ही ठीक है, इतना ही मिलता है इंडिया में भी। बेकरी का सामान मिल रहा है, जैसे बिस्किट्स वगैरह मिल रहे हैं, केक मिल रहा है, ये रहे बिस्किट्स। चीज़ें टेस्टिंग के लिए यहाँ पर ये भी रखा हुआ है, फ्राइड फिश है। महंगा बहुत है, $12,776 $125,000 का। क्या है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ है क्या ये इतना महंगा? कुछ कर लिया हम लोगों ने अपने फोरेक्स कार्ड का। फर्स्ट टाइम परेशान कर रहे थे कार्ड कहाँ चलाऊँ, मैंने कहा चलो कैंडी लेते हैं, तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने कैंडी ली। थैंक यू। मैं शॉप में एंटर करी तो मुझे ना ये वाली हैट, यहाँ पर बहुत सारे लोग पहने हुए हैं ये वाली हैट, लुक तो हैट जैसा आ रहा है वैसे है कैप। मैं चीज मैंने अपनी तरफ नहीं देखी है, और इसे ना आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, यहाँ वायर है तो चाहो तो ऐसे कर लो, चाहो तो ऐसे कर लो। अच्छी लग रही है ये, इसमें सॉरी ठंड कह रही हूँ, इसमें धूप नहीं लगेगी आपके चेहरे। कैप स्टाइल हैट है और ये बहुत लोगों ने पहन रखी है। 45 की है। हाँ 45 हांगकांग डॉलर। और ये हाँ ये भी है एक, आप लोग ये कैप स्टाइल थी, लेकिन जब तक आपके पास ब्लॉग जाएगा तब तक आप खरीद चुकी होंगे तो ये, लेकिन इससे ज्यादा मुझे ये अच्छी लगी। हाँ ये एग टार्ट है और बहुत फेमस है इस स्ट्रीट के, तो मैंने कहा मैं जरूर ट्राई करूंगा, रीमा ट्राई करे या ना करे, और बहुत गर्म हूँ मैं। ये अच्छे ये हैट तो मेरी इंडिया में भी बहुत कम आएगी, जहाँ पे भी धूप और गर्मी होगी मैं वहाँ पर ये पहन के स्टोरूम में ना पड़ा हुआ नहीं। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, है? बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये सारे बाथ बॉम्ब्स हैं। हम लोग उधर से होते हुए इधर की तरफ आए और वहाँ पर अपने राइट हैंड में जब सेंट पॉल रूम से आप लोगे तो आपको दो वो दिखाई देंगे इंटरसेक्शन, तो आपको सेनेटो स्क्वायर के लिए राइट में जाना है। यस ये है यहाँ का सबसे फेमस एरिया, सबसे फेमस जगह जो लोग दूर से देखने के लिए आते हैं, और यहाँ पर ना पोर्चुगीज का ही आपको इन्फ्लुएंस दिखेगा चारों तरफ, वैसे ही देखिए आप बने हुए हैं यहाँ पर। हम लोग यहाँ आए नहीं थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिक्चर्स में और वीडियोस में देखी थी, लेकिन आज यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है ना, सब चीज़ें पास से देखने में। हम कितनी भी वीडियोस देख लें, कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन जो फीलिंग और जो मज़ा वहाँ पर एग्जैक्ट आकर आता है वो अपने आप ही आके आता है ना।
बहुत अच्छा है। गर्मी में वैसे भी अच्छा लगता है। अब यहाँ से ना ग्रैंड बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तो हम पैदल पैदल वॉक करके जाएंगे। हाँ। कोई इंडियन रेस्टोरेंट ढूंढेंगे कुछ खाने पीने का कुछ मिल जाए तो मीठा मीठा खाया है। हाँ। नहीं मिलेगा तो फिर अपने होटल रूम में जाके थेपले खाएंगे। थेपला म्युनिसिपैलिटी है भाई। हाँ मैं भी यही देख रही थी, मैं भी यही देख रही थी म्युनिसिपैलिटी। ये देखो भाई ये है सिनेडो स्क्वायर, और जो मोस्ट ऑफ द पीपल ने देखा होगा ना मकाओ के अंदर वो ऐसे देखा होगा। ये देखिए हाँ इनका फ्ली मार्केट। बनाना ले लो तुम खा लो। ओके सर वन पीस $10 वन पीस। बनाना $14 में मिले मुझे एक एक 10 है वो फैन जिससे सब लोग हवा ले रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें ना यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है जिसे पुश करके ये चलने लगता है। वो मुझे पता चल रहा है इसकी वैल्यू, ऐसे फेस पर आप हवा करोगे ना तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। So this is 15, 30. तो ये वाला वो वाला चर्च है, इंटरसेक्शन पे आए थे ना हम लोग, ये वो वाला चर्च है। इसके अंदर जाएंगे देखेंगे। अच्छा है चलो अंदर। और यहाँ है बस सब लोग जा रहे हैं, कोई टाइमिंग नहीं है, देख के आ सकते हो। यहाँ के लोकल मार्केट घूम रहे हैं, थोड़ा सा आसपास का एरिया है। यहाँ पे नाइफ मिलेगा कहीं स्टोर में, वरना हम ब्रेड में लगा के खुद भी खा सकते हैं। लेटस थोड़े से सॉस एंड बनाना। हाँ ये 15 का है, एप्पल है, और ये पीच है, ऑरेंज है। शर्म आएगी अगर यहाँ का खाएंगे, इंडिया का छोड़ के खुशबू ही नहीं है इसमें। यहाँ पे सूखी भिंडी का भी स्नैक्स बना के बेच रहे हैं। कुछ भी बना दो स्नैक्स। सूखी भिंडी का हाँ। यहीं पे वो रिक्शे वाला मिला था जिसने हमारा काटा, अच्छा खासा, अच्छा खासा वाला। लेकिन फिर भी एक बात बताऊँ ना, एक चीज है ये ना, आज उसकी कमाई हो गई और इसीलिए वो गायब है, घर जाके आराम से सो रहा होगा। ये आज की कमाई हो गई मेरी। लेकिन अगर हमने वैसे किया होता ना तो हमारा एक मामले में अच्छा था, उसने मेरी और प्रशांत की काफी सारी पिक्चर्स निकाल दी। हाँ खुशी खुशी हम दोनों नहीं निकाल पाते। हाँ साथ में खड़े करके खड़े हो जाओ फोटो। चलो जल्दी आओ, जल्दी रोड क्रॉस करो। हाँ बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो रीमा कह रही है अपने दोनों पैर ऊपर करके ऐसे ऐसे घुमाओ। आप बताओ दोनों पैर ऊपर कैसे कर सकता हूँ मैं? रिलैक्स करने को बोल रही हूँ, बस आगे और पीछे करो ऐसे, और थोड़ा सा क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक। मैंने कहा था दोनों पैर का मतलब, अब इसको ऐसे चल चल के ना पैर में छाले पड़ गए। छाले आपने ना सॉक्स नहीं पहन रखे इसलिए हुआ आपको। हाँ थैंक यू फॉर टेलिंग मी। चलो इंडियन फूड ढूंढो, नहीं मिलेगा तो घर पे लाके थेपले खाने पड़ेंगे। नहीं तो मैंने इतने सारे ना फ्रूट्स ले लिए भाई, फ्रूट्स खाओ प्रभु के गुण गाओ। कल से खाना नसीब नहीं हुआ है हमें, दो दिन हो गए, दो दिन से यहाँ पर खाना नसीब नहीं हुआ है। थेपले खा खा के गुजारा कर रहे हैं, वो भी आप लोगों ने सजेस्ट कर दिया था, थैंक यू। नहीं तो हम भूखे मर गए होते। भूखे तो नहीं, यहाँ पे मैंने आइसक्रीम खाई, कितनी टेस्टी थी, मतलब मजा आ गया आइसक्रीम खा के। टार्ट भी अच्छे थे, एग टार्ट, वो भी शेक भी बहुत अच्छा था, नहीं आइस टी, आइस टी बहुत अच्छी थी, ना 5:30-6:45 हो रहा है, तो हम लोगों ने पूरा हिसाब से भी ऐसे ही बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, ढाई तीन तो देख लिया जो मकाओ है साइड का, आज का पूरा हो गया। अब पर ना हमने इंडियन रेस्टोरेंट देखे थे, ग्रैंड लिस्बोआ के पास में थे, लेकिन वो थे सारे के सारे कम से कम 1.5 किलोमीटर 15-16 मिनट की वॉक थी, जिसमें से प्रशांत बिल्कुल राजी नहीं थे क्योंकि उनके पैर में चोट लग गई है। चोट नहीं लगी है, मतलब वो नया शू पहना था आने से पहले, ज्यादा नहीं पहना उसे, तो उसने ना बिना सॉक्स के आया मैं पहन के, तो उसने मेरे पैर में ना काट लिया, तो इसलिए मेरे से चला नहीं जा रहा। गिर जाएगी,
अभी पता है हमारे साथ ही एक और इंडियन फैमिली थी इस बस में और उनकी छोटी सी बच्ची थी, मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, तो वो इतनी देर से मम्मा ईट भूख लग रही है, मम्मा मुझे भूख लग रही है, मम्मा कह रही है जस्ट 5 मिनट वेट कर लो मैं तुम्हें ना होटल पहुंच के पिज्ज़ा खिलाऊंगी। फिर उसने ना पिज़्ज़ा बोलना स्टार्ट कर दिया ज़ोर ज़ोर से। फिर मुझे लगा कि मेरे हाथ में ना फ्रूट्स थे एक्चुअली ये वाले, तो मैंने कहा क्या आप इसे बनाना खिलाना पसंद करोगे, तो कहते हैं हाँ दे दीजिए, और वो बनाना खाने के बाद बिल्कुल शांत हो गई, चुप एकदम। तो इतना अच्छा लगता है ना यार, कभी कोई अपना ऐसे लगता है जैसे कोई अपना मिल गया। बहुत देर से हांगकांग से इमिग्रेट करके डायरेक्ट फेरी ले ली होगी इन्होंने यहाँ के लिए, बता रहे थे वेनिशियन में ठहरे हैं वो लोग। आ गए वापस हम लोग अपने होटल रूम स्वीट रूम, आजकल तो हम रूम को ही स्वीट बोलेंगे ना। लॉबी पैरों ने काट लिया। आ गया बस रूम आ गया, अब थोड़ी देर बाद बैंडेज हो तो लगा लेना वरना मैं बोरोप्लस लगा दूंगी। तो ये है हमारा रूम नंबर। वाओ शामस्तानी, यही दिखता है हमारे होटल रूम से सेम। साफ कर गए ये सब, साफ कर गए जी हाँ। ये लो इन्होंने साफ कर दिया भाई हमारा, बाथरूम में भी नए लगा गए। अरे वाह कितना अच्छा अच्छा साफ करके गए हैं, कुछ भी बिना छुए। पानी की बोतल भी रख के गए हैं, आई डोंट नो, इसमें हम लॉक लगा के गए थे क्योंकि इसी में हमारे पासपोर्ट्स वगैरह थे और बाकी सारी चीज़ें हम ऐसे ही खुला छोड़ गए थे, हमने कोई भी ऐसे सेफ्टी लॉक नहीं लगाए, बस इसी में लगाया था क्योंकि इसमें लैपटॉप और हमारा कैमरा वगैरह सब था। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं थी लेकिन थोड़ा सा अगर पासपोर्ट छोड़ के जा रहे हो तो लगा दो। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, जो मकाओ और हांगकांग है ना वहाँ पे इंडियन वोल्टेज ही चलता है, इसका मतलब क्या है कि आप अपने इक्विपमेंट्स ला सकते हो, जैसे मैं ये रॉड लेकर आई थी अप्लायंस लेके आ सकते हो, लेकिन ये चल गई बहुत अच्छे से चल गई। बस आप एक कन्वर्टर ले लो, वैसे कन्वर्टर की भी जरूरत नहीं है लेकिन आप ला सकते हो चाहो तो। मैंने बनाए हैं ये रेडी टू ईट पास्ता, ये भी मैगी की तरीके से हैं, जैसे मैगी बस गर्म पानी डाल के बन जाती है सेम ये बन जाते हैं। ये मैंने अमेजोन से परचेज किए थे, 4 पैकेट थे इसके। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो जहाँ पर फूड की परेशानी हो सकती है तब आप ऐसी चीजें कैरी कर सकते हो क्योंकि कैटल हर जगह मिल जाती है। शो चल रहा है लग रहा है, देखिए लाइटिंग देखना, एक एक देखो लाइटिंग एकदम से चेंज होती है। ये देखिए लाइट शो जो हमें अपने होटल रूम की विंडो से दिख रहा है, ये एवरी शायद 5 मिनट बाद आता है, ड्रॉप होते हुए नीचे की तरफ आएगा, नीचे से भी ऊपर जाएगा। हाँ बढ़िया लग रहा है ये कुड़ी।